नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई नॉलेज वर्ड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे कि पॉलिटेक्निक में कौन सी ब्रांच चुने, कौन सी ब्रांच ऐसी है जिसको चुनने के बाद आपका कैरियर सरकारी और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में बहुत ही बेस्ट होगा। तो दोस्तों सबसे बेस्ट जो ब्रांच होती है पॉलिटेक्निक की वो होती है मैकेनिकल प्रोडक्शन। मैकेनिकल प्रोडक्शन क्यों? क्योंकि इसकी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में जॉब के बहुत ही अच्छी संभावनाएँ होती हैं। गवर्नमेंट भी वैकेंसी इनकी जगह जगह आती रहती है, प्लस इसका एक फ़ायदा होता है कि लोको पायलट का जो फॉर्म आता है रेलवे का वो मैकेनिकल एलिजिबल है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग नहीं एलिजिबल है। तो मैकेनिकल यहाँ पे भारी पड़ता है सिविल से, प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते तो ऑटोमोबाइल के सेक्टर में मारुति कंपनियाँ जितनी भी, वहाँ पर इनकी हायरिंग बड़ी अच्छी होती है, इनको अच्छा खासा वेतन मिलता है, वहाँ पर कैरियर इनका बड़ा सही होता है। क्योंकि टाटा वगैरह ऐसी कंपनी है कि जहाँ पर मैकेनिकल प्रोडक्शन आपने किया है और अगर दो चार साल आपने वर्क कर दिया तो आपको बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलने लगती है। और टाटा वगैरह जो कंपनियां हैं मैकेनिकल की, जो ऑटोमोबाइल की कंपनियां होती हैं, इसमें अगर R&D में आप जॉब करने लगे तो ये समझ लीजिए कि आपका वेतन कम से कम लाखों पार कर जाएगा 5-6 साल के अंदर में, ठीक है। तो दोस्तों ये मैकेनिकल ब्रांच सबसे बेस्ट होती है। दूसरे नंबर पर जो ब्रांच आती है वो होता है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल ब्रांच क्यों बेस्ट है इसको मतलब समझिए। देखिए इलेक्ट्रिकल की बेस्ट होने की वजह से एक है कि बिजली ऐसी है, इसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बिजली का दायरा बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कि बिजली जो रेलवे था, जो पहले लोकोमोटिव चलता था, वो खत्म हो गया है, सब जगह इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। पूरे हिंदुस्तान में जितनी रेलवे है इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में इनकी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट की जितनी वैकेंसी आती है इलेक्ट्रिकल की, आप जानते होंगे टाइम टू टाइम इनकी वैकेंसी आती रहती है, प्लस प्राइवेट में भविष्य का आने वाला सेक्टर पूरा इलेक्ट्रिकल से छा जाएगा। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल से पूरा आगे का भविष्य छा जाएगा। इलेक्ट्रिकल एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तीसरे नंबर पर जो आता है वो ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में देखिए क्या है कि सिविल इंजीनियरिंग की जो सबसे हमको ड्रॉबैक जो लगती है वो ये है कि आप जो लोको पायलट की वैकेंसी आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी होती है, डिप्लोमा होल्डर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट वैकेंसी आती है लोको पायलट की, प्राणदायिनी कह सकते हैं एक तरीके से। इतना सीट कभी जेई की कभी आती नहीं है। जेई की सीट मैक्सिमम आएगी 1000, 2000, 500, 200, लेकिन लोको पायलट एक बेस्ट ऑप्शन होता है जो हर 3 साल पर आती है, ज़्यादा सीटें आती है, एक अपॉर्चुनिटी कैरियर बनाने में। यहाँ सिविल वाले मार खा जाते हैं, सिविल नहीं एलिजिबल होता है लोको पायलट के लिए। तो सिविल को हम तीसरे नंबर पर रख रहे हैं। सिविल अच्छी ब्रांच है, इसमें प्राइवेट आपको जॉब मिल सकती हैं, गवर्नमेंट में भी मिल सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट में थोड़ा सा क्या है कि उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है जितना कि प्राइवेट में। प्राइवेट में अच्छा इसमें स्कोप है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप जो कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर अगर किसी भी तरीके से आप बन जाते हैं, थोड़ा पुराने हैं, 4-5 साल वर्क करते हैं, अगर कंपनी ने आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया, छोटे से साइट का भी बना दिया ना, लाइफ बदल जाएगी आपकी। जो चौथे नंबर की सबसे अच्छी ब्रांच में मानी जाती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT। IT जो ब्रांच है वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, बड़ी सॉफ्ट ब्रांच है। आगे का भविष्य जो होगा IT और इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोग्राम होता है, कोडिंग करना होता है, कोडिंग में बहुत ही अच्छा पैसा मिलता है। जो अच्छे एक्सपीरियंस वाले कोडिंग करने वाले सीख गए, अलग अलग लैंग्वेज सीख गए हैं, उनको आज के समय में डिप्लोमा होल्डर को 55,000 से लेकर 60,000 तक सैलरी मिल रही है। और ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह अगर आप सीख लेते हैं तो आपको समझ लीजिए कि 80,000 से ऊपर वेतन आपको मिल जाएगा। कोडिंग में बहुत अच्छा स्कोप है, लेकिन कोडिंग में एक प्रॉब्लम है कि कोडिंग जो शुरुआती दौर होता है ना, इसमें सैलरी 0 भी मिल सकती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनी आपको हायर करे, 1 रुपये भी ना दे शुरुआती दौर में, लेकिन जैसे ही आपका 1 साल बीतेगा आपके वेतन ऐसे बढ़ेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। IT वगैरह का जो वेतन होता है 30-30% बढ़ जाता है। एक कंपनी छोड़ेंगे दूसरी कंपनी करेंगे तो 30-30, 40-40% का इंक्रीमेंट होता है, लेकिन सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इनमें कुछ ऐसा नहीं होता है। कंपनी बदल देंगे बल्कि और नीचे हो जाएंगे। लेकिन IT और CS ऐसी ब्रांच होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, अगर आप कोडिंग सीख लिए ना, एक कंपनी छोड़ेंगे दूसरी कंपनी में अधिक ही मिलेगा, कम तो कभी मिल ही नहीं सकता। और तीसरी जो सबसे बेस्ट ब्रांच है, यानी ये ऐसी ब्रांच है कि इसमें गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, लेकिन प्राइवेट जॉब तो एक समझ लीजिए कि बस करिए और जॉब आपके लिए रखी है। वेतन एक नंबर का वेतन इसमें मिलता है, बढ़िया वेतन मिलता है। वो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग बहुत कम लड़के करते हैं। ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में जितने लड़के डिप्लोमा करते हैं, 1% भी ऐसे स्टूडेंट नहीं होते जो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करते हैं। पूरे स्टूडेंट का देखा जाए तो 1-2%, बहुत अधिक से अधिक होंगे तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से करते हैं। सूरत बॉम्बे में जितनी टेक्सटाइल की कंपनियां हैं, बस आपको जाते ही तुरंत जॉब देती हैं। वेतन इनमें बड़ा बढ़िया होता है। इनका जो वेतन होता है वो 30,000 से कम स्टार्ट होता है और 30,000 से आपको लाखों तक चला जाता है। दूसरी चीज़ इनमें सबसे खास होती है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, ये आपको विदेश जाने के मौके में बड़ा अच्छा होता है। जैसे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में कर लिया आपने डिप्लोमा, इनका कारोबार जो कंपनियों को होता है विदेशों तक फैला होता है, वहाँ आपको जाने की अपॉर्चुनिटीज में बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर किसी भी कैरियर काउंसलिंग के लिए या किसी भी आपका कैरियर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो
अगर आप मुझसे मोबाइल फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, उन डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, बेस्ट कैरियर काउंसलिंग पाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, एक लिंक होगा वहाँ पे, लिंक पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन एक होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, उस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। फिलअप करते ही आपकी बात मोबाइल से सीधे मुझसे हो पाएगी, बेस्ट कैरियर काउंसलिंग आपको मिलेगी, कभी आप बेरोजगार नहीं बैठ सकते, 100% मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।